सास बहू के बीच पौराणिक शोज ने अपनी नई पहचान बनाई है। आजकल हर चैनल पर कम से कम एक पौराणिक प्रोग्राम जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे शोज ने बड़े किरदार निभाने के बाद उनका करियर इन किरदारों में कहीं दब सा गया। तो आइए जानते हैं आखिर कौन से हैं वो स्टार्स। पहला नाम है रिया टिप्सी का। रिया टिप्सी स्टार प्लस के शो महाभारत में गांधारी के किरदार में नजर आई थी। रिया के परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया गया था। बेशक शो में उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उनके हाव भाव ने ऑडियंस को बांध कर रखा था। आपको बता दें कि इस शो के बाद रिया को सिर्फ पौराणिक और हिस्टोरिकल शो के ऑफर ही मिले। इस शो के बाद उन्हें धरती का पुत्र, महाराणा प्रताप और रजिया सुल्तान में देखा गया था। दूसरा नाम है रजत टोकस का। रजत लंबे टाइम से टीवी इंडस्ट्री में एक्टर हैं। उनका हिस्टोरिकल शो जोधा अकबर और पृथ्वीराज चौहान जबरदस्त हिट हुआ था। इसके बाद रजत इसी तरह के शोज में नजर आए। उसके बाद वो चंद्र नंदिनी में भी दिखे और अब वो नागिन 3 में दिखाई दे रहे हैं। तीसरा नाम है पूजा शर्मा का। स्टार प्लस के शो महाभारत में द्रौपदी के किरदार में मशहूर हुई पूजा के लिए ये शो कुछ खास रास नहीं आया। हालांकि शो में उनकी परफॉर्मेंस दमदार थी, लेकिन इस पौराणिक शो ने उनके करियर के बाकी रास्ते जैसे बंद ही कर दिए। फिलहाल पूजा अब कलर्स के शो महाकाली में काली का किरदार निभा रही हैं, जो जल्द ही बंद होने वाला है। चौथा नाम है सौरभ राज जैन का। सौरभ का नाम लो तो महाभारत के कृष्णा का नाम आ ही जाता है। शो की सफलता के बाद सौरभ को उम्मीद ही नहीं थी कि वो अपनी भगवान वाली इमेज से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। आपको बता दें कि स्टार प्लस के शो महाभारत के बाद सौरभ को अब सिर्फ धार्मिक और पौराणिक शोज ही मिलते हैं। पांचवा नाम है मोहित रैना का। देवों के देव महादेव में शिव बने मोहित रैना के करियर का ये सबसे बेस्ट रोल था। न केवल शो हिट हुआ बल्कि उनका किरदार भी हिट था। लेकिन मोहित के लिए इस शो के बाद इस रोल की इमेज से निकलना बहुत मुश्किल था। उन्हें भी धार्मिक और पौराणिक शो के ही ऑफर मिले। आपको बता दें कि मोहित सम्राट अशोक में अशोक की भूमिका निभा चुके हैं। फिलहाल आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और पाइए अपने फेवरेट टीवी शो से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।